taking a tour of resource meditation into inner Taran. What a wonderful inner journey from rituals to realization, from tension to tranquility, from stress to serenity, from known to unknown, from extrovert to introvert, from mind to the master, from education to meditation. Let us move towards this inner journey, that is life journey. Though it's very long journey, but very rewarding journey. You enjoy it. Be seer, be witness, be non-doer for a while, and watch, simply watch inside. Bahar bikhri hui tamam chetna ko, khand khand chetna ko, shivanetra se jodte chale jana. बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम भीतर के नेत्र हो जाते हो, तुम स्वयं शिव नेत्र हो, तुम साक्षी दृष्टा अकर्ता होकर के लगातार देखते रहना. मेडिटेशन इज अ रियल चैलेंज टू स्ट्रेस. मेडिटेशन के प्रोसेस में रहने वाला मनस्तल को स्वस्थ कर लेता है, बौद्धिक तल को शार्प कर लेता है और आत्मिक तल को जगमगा लेता है. शारीरिक तल पर आए हुए तमाम हालातों को फेस करने की ताकत संजो लेता है. ये भक्ति और शक्ति के दो बैलेंस एंड ब्लिस के दो पंख लगाकर के उड़ता है. ये रसायन तेरे पास है, थोड़ा प्रयोग में उतार, अपने अनुभव में उतार. अनुभव परम संपदा है. अपने भीतर को जगमगा ले, बाहर तेरा सब कुछ जगमगा जाए. Continuous watching will help you to be thoughtless one day, which is full of bliss. Manorog, hirday rog, tujhe chhu nahi sakta. घर तो भीतर जाग करके जीता है. कोई टेंशन, स्ट्रेस, कोई चिंता, कोई सोच विचार तेरी विल पावर को कमजोर नहीं कर सकती. घर तुम भीतर थोड़ा जागो, मन से हट करके मन की गति को देखने वाली हो जाना तेरा स्वभाव है. अपने स्वभाव में रहना, मन के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन ना रहे, कोई तादात्म्य ना रहे. थोड़ा थोड़ा मन से हटने की महान प्रक्रिया में उतरना मेडिटेशन है. मन से हटना, अपनी याद, अपनी स्मृति में उतरना, अपनी सुरती जगाना, अर्थात जागना. मन के प्रति, मन माया को देखने वाले हो जाना, मन के मैस्टर हो जाना ही तेरी जिंदगी की कीमत है.
इतना अनमोल जन्म यूं ही ना रुला देना। कंकर पत्थर बीनते बीनते ये जन्म व्यर्थ ना जाए, सार्थक कर लेना जीवन जो जगा करके। अपने भीतर की दिशा संभालना, अपने शिवनेत्र में रहना, वो तेरा असली निवास है, वहां स्वरूप तेरा हर पल हर घड़ी छलकता है। मेडिटेशन का प्रोसेस तुझे रिलैक्स करता चला जाए, तुझे फ्रेशनेस देता जाए, फिटनेस देता जाए, तेरी नेगेटिविटीज को धोता चला जाए, तेरे बहिर्मुखी आदतों को विदा करता चला जाए। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में अपने को वाइब्रेट कर लेना, तुम अपने भीतर जीवन यात्रा पर रहना, अपने संगीत को, शाश्वत संगीत को, अपने अनहदनाद को खुजा लेना, उसको जगमगा लेना जो सदा से बज रहा है। अनाहत आहत नहीं है, बाहर का संगीत आहत है, भीतर अनाहत संगीत बज रहा है। आहत से अनाहत की ओर अपनी यात्रा कायम रखना। 365 तीर्थों की यात्रा है जीवन यात्रा। इस जन्म में तुझे जीवन यात्रा करना है, जीवन की खोज तलाश करना, महातीर्थ को खोज लेना, अपने भीतर हृदय द्वार को उपलब्ध हो जाना है, जिसकी परिक्रमा 365 तीर्थों की परिक्रमा के बराबर है। अपने ही भीतर की परिक्रमा में जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रत्यक्ष रूप में निवास है और प्रत्यक्ष कर सकता है तुमको, जहां वो सदा सदा के लिए तेरे पास कुर्बान होते हैं। जो भी भीतर का मालिक हुआ उस पे सारा आलम बरस गया। दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भरे, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्द से मेरा दामन भरे, दर्द से मेरा दामन भरे।
जैसा पड़ा पड़ा है। वापस लौटे तो जहां जो जो है वहीं पर उसे उसी तरह से प्रभु के हवाले करके पत्नी को मां बना करके चल दिए। मां बेटा सुशीला को लेकर के चल दिए। गजब की नारी है वो पतिव्रता नारी। पति की प्यास के मार्ग पर, पति की तलाश के मार्ग पर तनिक मात्र भी कोई प्रॉब्लम नहीं उठाई, कोई समस्या नहीं उठाई, तनिक मात्र दीवार नहीं बनी, अपनी वासना कामना की दीवार खड़ी नहीं किया। गजब की है सुशीला। कलयुग में एक महान देवी दूसरी सुनी थी, दूसरी मां गुजरी है। वाकई राम का स्वरूप है पति और पत्नी सीता का स्वरूप है। प्रभु मार्ग के ऊपर कदाचित भी कभी अपना अहंकार, अपना अभिमान, अपनी ईगो, अपना संसार नहीं संजोया। उस पतिव्रता नारी नहीं अपने पति की प्यास को परमात्मा बनने में पूरा पूरा सहयोग दिया। जो जो वो कहते चले गए, करते चली गई, उसके कदमों के साथ कदम जोड़ करके, उसके कंधे से कंधा मिला करके सुशीला चल पड़ी आकाशवत होने के लिए अपने गुरु के द्वार पर अपने पति के साथ। उस महान विराट आकाश को छूने के लिए जिसके लिए मानव जन्म मिला है, नर नारी को पूरा अधिकार है, दोनों को बराबर अधिकार है। यही गार्गी ने कहा था, याज्ञवल्क ऐसा मत कहो कि आश्रम में स्त्री का निवास गलत है, नहीं, जो अधिकार आपको है वो अधिकार हमको बराबर है। बाहर के मॉडल में भेद है, मेटेरियल में भेद नहीं है, दोनों का मेटेरियल एक है, मॉडल अलग अलग है, सबकी आत्मा बराबर है, सबके भीतर खून बराबर है, सबकी प्यास प्रभु के लिए बराबर है, सबको अधिकार है, हक है अपने परम पितु की गोदी में, अपने परम पितु की दामन में उतर जाने का, अपने स्वरूप को, अपने विराट को, अपने आकाश को छू लेने का सबको पूरा अधिकार है। या ज्वल के जी, ये बात कहकर के तुम नारी जाति का अपमान कर रहा हो, अपने क्रोध में, अपने रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में ना जाने क्या क्या बोल रहे हो, बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा जीवन को। गजब कर दिया गार्गी ने, ऐसा तमाचा विद्वता पे लगा कि प्यास का आलम जग गया, दर्द उठ गया दीवानगी का। इधर सुशीला ने जो जो भी पति ने कहा उसके कदमों को चूमती चली गई, उसकी राहों को छोटा करती चली गई, लंबा नहीं किया। उस नौजवान नवयुवक प्रोफेसर को, प्रोफेसर इज ही हु प्रोफेसर्स रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, ठीक उसी दिशा को लेकर के चले प्रोफेसर तीर्थराम। बचपन से लेकर के जवानी तक जो प्यास संजोई थी, आज उस प्यास को अपना शिखर बनाने का अवसर दिया। सब प्रभु के हवाले, जो जहां है वहीं। तनिक मात्र कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, कोई प्री प्लानिंग नहीं, प्यास उमड़ी है, दर्द बन करके तो चल दिया। भगोड़ा नहीं, भगवत्ता की उपलब्धि के लिए किसी गुरु के द्वार पर, कहीं किसी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, कहीं एकांत शांत पवित्र वातावरण में जाना ही होता है। गए और वो लेकर के आए, जो गए वैसे वापस नहीं आए। बुद्ध गए, वही वापस नहीं आए जो गए। वर्धमान गए, महावीर आए, सिद्धार्थ गए, बुद्ध होके आए, प्रोफेसर तीर्थ राम गए, स्वामी राम तीर्थ होके आए, नरेन गुरु के द्वार पर गए, नरेन नहीं रहे, स्वामी विवेकानंद होके आए। वो किसी कलाकार के हाथों लग करके एक नया नूतन जीवन लेकर के आए, वो वही नहीं आए जो गए थे, एक नया जन्म लेकर के आए, वो जन्म लेकर के आए, वो जीवन लेकर के आए जो सारे संसार को जगमगा गया,
जो सारे जगत को निहाल कर गया, जो सारे जगत को अमृत पिला गया, दिशा दे गया, उन्होंने जो कदम उठाए, एडवेंचर उठाया है, आज इतिहास उन्हें भूल नहीं सकता। दिशा दिया मानव जाति को। तभी तो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने कहा, पतिदेव मैं सुहागिन तभी हो जाऊंगी, मैं पतिव्रता नारी तभी हूं, मैं सुहागन तभी हूं जब तू सत्य की खोज में उतर जावे। पतिदेव जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, ये प्रेम नहीं, ये वासना है, कामना है, जिसको मैं अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ, शोषण कर सकती हूँ, अपना सुख भोग सकती हूँ तेरे साथ, किंतु नहीं, ये पतिव्रता धर्म निभाने वाली नारी का। धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है। अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तेरे प्रति, तो मेरा पति परमेश्वर हो जा, तू पति परमेश्वर होकर के दिखा, तभी मैं पतिव्रता नारी कहलाऊंगी, तभी मेरा सुहाग अटल होगा, मैं सुहागिन कहलाऊंगी। जिस दिन तो स्वयं की याद में डूब जाएगा, जिस रात्रि तूने इतनी बड़ी वासना कामना भरा कदम उठाया, मूसलाधार बरसात में बहते हुए दरिया की तरह पानी में उतरी हुई एक अर्थी के ऊपर पाव रख करके तूने अर्थी को नौका बना करके तू मेरे तक पहुंचा, और जब तूने इस दीवार को लांघा तो वह अजगर सांप लेटा हुआ था, उसको पकड़ करके रस्सी समझ करके तू अपनी वासना में डूबा हुआ उस चबारे पर पहुंचा जहां हमारा निवास है। और जब मैंने झांक के देखा तो अजगर सांप था, रस्सी नहीं, किंतु प्रभु ने कितना बचाया। जिस प्रभु ने तुझे बचाया, उस प्रभु की ओर आंख उठा करके चल देना, मैं तेरे हर कदम को चूमती चली जाऊंगी, मैं इंतजार करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी कि जो प्यास आपने बचपन में संजोई थी, वो मेरे मिलने के पश्चात कितनी भटकाव में उतर गई, वो भगवत्ता की तरफ लगनी थी, वो भोग की तरफ उतर गई। आज मैं अपने सारे अरमानों को तिलांजलि देकर, मैं अपने सारे सुखों को तिलांजलि देकर, मैं अपने जीवन के तमाम कांटों को पिरो करके तुझसे प्रार्थना करती हूं तुलसी, मेरे पतिदेव ये प्रेम मेरे से मत करना, ये वासना कामना को अपने प्रभु की ओर प्रेम का रूप देना, इतना प्रेम कर तेरा प्रभु से हो जाए तो जीवन की बगिया चारों युगों में सज जाए और मेरा पतिवर धर्म निभ जाए। मैं अपने सुखों के कारण, अपनी सिक्योरिटी के कारण, अपने भविष्य की सिक्योरिटी के कारण, अपने स्वार्थ के कारण तुझको गलत दिशा में नहीं देख सकती, ये दिशा गलत है, यहां जन्म जन्म गल जाते हैं, हाथ कुछ नहीं लगता, ये जन्म वासना कामना के पुलिंदे बनकर के एक दिन माटी के ढेर हो जाते हैं। इस जन्म में मैं अपने पति को उस दिशा में, अंधकार भरी दिशा में, अंधकार भरी दिशा में नहीं देखना चाहती, नहीं देख पाऊंगी, मैं सब कांटे जीवन के संजोल लूंगी, किंतु तुझे फूल, खिला हुआ फूल देखना चाहूंगी, डिविनिटी का, आत्म ज्योत का, आत्म अनुभव का, प्रभु प्रीति का, प्रभु प्रेम का। वारी रत्ना वाली दिशा दिया तूने अपने पति को, क्या गजब की दिशा दिया है, नारी नहीं इंसान को कहां पहुंचा दिया तुलसीदास को, एक भटका हुआ वासना कामना में डूबा हुआ जवानी का अंगारा जो बुझते हुए देर नहीं लग सकती थी, बुझ ही जाता, किंतु ऐसी चोट मारी, कितनी ऊंची मैत्री उतारी है उसने, कितनी गजब की मित्रता, कितना मैत्रीपूर्ण वास्तविक रूहानियत का आलम बनकर के उतरी है महान रत्नावली। जैसे मैत्रेयी ने कहा, याज्ञवल्क्य को, जिस संसार से तुझे कुछ हाथ नहीं लगा, जिस संसार ने तुझे कुछ नहीं दिया, वो संसार मुझे क्या देगा, ये सुख के साधन
तुझे सुख नहीं दे पाए मुझे क्या देंगे, तुझे संतुष्ट नहीं कर पाए मुझे संतुष्ट क्या करेंगे, मैं तेरे अनुभव से ही सीख लूं। मैं बिल्कुल इस संसार को छाती से लगा करके पीछे रहने वाली नहीं, मैं तेरे कदम से कदम मिला करके साथ चल करके सत्य की खोज, अपने जीवन की खोज, जिस खोज में जिस तलाश में आप उतर रहे हैं वही मैं भी जाऊंगी, उसी कदमों के साथ चलूंगी। मेरा भी तो वही धर्म है जो तेरा धर्म है, मेरा अस्तित्व वही है जहां तेरा है, वह दिशा जो तेरी तूने चुनी वही मेरी दिशा है। अगर संसार के मार्ग पर मैं तेरा साथ देती रही तो आज सत्य के मार्ग पर तू प्यास लेके खड़ा है तो ये प्यास मैं भी संजो लूंगी। प्रभु मार्ग के ऊपर अगर तेरे कदम उठे हैं तो आज मैं भी तेरे साथ साथ तेरी अर्धांगनी बन के रहूंगी। संसार मार्ग पे अर्धांगनी बन सकती हूं तो क्या उस अस्तित्व को चूमने के लिए तेरी अर्धांगनी नहीं हो सकती? मैं दोनों और जिस और तो चले पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी अगर सही दिशा में पति चल रहा हो तो उसके रास्ते में कभी भी अपनी कामना वासना की अंधेरे दीवारें खड़ी ना करे, बल्कि उसके साथ साथ उस दिशा की ओर चल पड़े जिस दिशा के लिए जीवन बना है, ये जन्म मिला है। धन्य धन्य रत्नावली, तूने दिशा दिया, तूने सीता सावित्री की तरह कलयुग में दिशा दिया, और उस तुलसीदास को आचार्य तुलसी क्या बनाया, उस महान प्रभु भक्त राम भक्त के जिसके लिए राम भी तरस गए, जिसके द्वार पर स्वयं राम उतरता है, स्वयं भगवान राम जिस द्वार पर द्वारपाल बनकर के उतरते हैं वह द्वार तुलसीदास का, रामचितमानस के लेखक का। आज राम कथा कदम कदम पे किसकी देन है, किंतु उसके जीवन निर्माण के पीछे कौन है उसको हम भूल ही गए, उसका नाम तक नहीं लेते हैं। वो है रत्नावली, एक महान गजब का अस्तित्व है वह, एक गजब का व्यक्तित्व है, कितना महान धर्म निभाया है उसने, एक दिशा दे दिया पति को। सुशीला माँ ने क्या गजब की दिशा दिया है संसार में उन नारी जाति को जो प्रभु मार्ग के ऊपर अपनी वासना कामना सुखों को लेकर के खड़ी है। प्रभु मार्ग पर सुनीति जैसी मां, गुजरी जैसी मां, महान भुवनेश्वरी जैसी मां, नरेन की मां, ये है नारी जाति का महान आकाशवत विराट व्यक्तित्व, ये उसका एहसान चारों युगों में पूजनीय वंदनीय होता है। वो स्वतः ही अमर हो जाते हैं जो रास्ता छोड़ देते हैं, जो रास्ता साफ कर लेते हैं दूसरे चलने वालों का, जो साथ सहयोग देते हैं, जो नहीं देते उनका हाल हरनाक्षिपु जैसा होता है, कोई पूछता तक ना, नाम तो उनके भी चमकते हैं किंतु वो जीवन की दिशा नहीं बनते, भीतर प्रेम नहीं उनके प्रति उग सकता, पैदा नहीं हो सकता, उनके प्रति कोई किसी प्रकार का स्नेह नहीं पैदा होता बल्कि घृणा नफरत पैदा होती है। नाम तो उनका भी रहता परंतु दिशा नहीं दे सकते, वो दिशा नहीं, जीवन की दिशा नहीं, वो नहीं प्रदान कर सकते जीवन को सही दिशा, बल्कि उनके प्रति कितना कितना तिरस्कार का भाव उठता है। इस महान प्रभु प्रेम प्रभु भक्ति प्रभु प्यास के मार्ग पर जिन जिन ने साथ दिया है वो अमर हो गए, आबाद हो गए, वो भी अमर हो गए आबाद हो गए, ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन गए। प्रभु मार्ग पे सत्य की खोज में सत्य की तलाश में आज लाखों में कोई एक उतरता है, आ रहे विज्ञान के तल पर तो लाखों हैं किंतु सुपर साइंस इस आत्म ज्योत आत्म अनुभव के तल के ऊपर लाखों में कोई एक गर कदम उठाता है, दिशा उठाता है, उस अज्ञात की यात्रा पर उतरता है तो शाबाश देना उसको,
एनकरेज करना, साहस हिम्मत जुटाना उसकी, क्योंकि आज भारत भूमि पर अगर कमी है तो इसी एकमात्र खोज और तलाश में कमी है कि हम अपनी आत्मा की खोज तलाश अपने सुपर साइंस के अंतर्गत उतरने से बेजार हो गए हैं। हम बिल्कुल उससे हट गए हैं, हम उस संस्कृति से बहुत दूर चले गए हैं। हम अपनी खोज अपनी तलाश से हट करके बाहर मैटर की तलाश में इतने डूबे कि जिस डूबने में वेस्ट ने आज तक कुछ नहीं पाया, हम उस ओर चल पड़े। विज्ञान की खोज में, साइंस की खोज में, मैटर की खोज में उतरना बहुत जरूरी है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंतर्मुखता के तल पर छूना अपनी आत्मा को, जरूरी है, उतना ही जरूरी है। परंतु वहां तो लाखों चल रहे हैं उस दिशा की और लाखों में कोई एक। क्यों इतना कम, क्यों इतने रेयर, क्यों? क्योंकि जागे पुरुषों की कमी, दिशा निर्देशन की कमी, केवल मात्र मार्गदर्शन की कमी है, उस ओर ले जाने वालों की कमी है। बहुत रेयर है वहां, बहुत रेयर है। ये मत सोचना कि कलयुग में ही, सतयुग में भी रेयर है, त्रेता द्वापर में भी रेयर है, वो तो सदा ही रेयर है, वो तो बहुत कम है, बहुत कम है। तभी तो अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, ये धर्म सभा में एक भी जागा पुरुष नहीं, जहां याज्ञवल्क्य के जैसे, महर्षि कोहड़ जैसे बैठे हैं, उनकी ओर इशारा करके 12 वर्ष का छोरा कहता है, 8 कुबड़ों वाला 12 वर्ष का बालक कहता है, अरे क्या ये तुझे जोत देंगे, ये तुझे आंख देंगे, ये तेरी नजर बनाएंगे, जिनकी अपनी नजर चमड़े की है, अभी आत्मिक नजर ही नहीं जिनकी, जिनकी रूहानियत की नजर ही नहीं अपनी, वो तुझे रूहानियत देंगे? ये चमड़े की आंख रखने वाले, चमड़ी की पहचान करने वाले, ये एकमात्र भीतर के अंधे, ये सब बड़े बड़े हैं शास्त्रवेद, बड़े बड़े धर्मवेद, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लर्निंग पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सब जो तूने इकट्ठे कर रखे हैं, इनमें एक भी सुजाखा नहीं, एक भी जागा पुरुष नहीं। जैसे स्वामी रामतीर्थ ने काशी में सरे बाजार कहा, अगर आप विद्वानों में कोई सुजाखा बैठा हो तो मैं आज उसको अपना गुरु बनाने को तैयार हूं, और अगर तुम्हारे भीतर कोई सुजाखा नहीं तो फिर मेरे शिष्य बन जाइएगा, मैं सुजाखा तुम्हारे बीच आया, ले लीजिएगा मेरे से तत्वज्ञ का शिखर, तत्व अनुभूति का शिखर। मैं आया भरपूर सुराही लेकर के आया हूं, उड़ेल लीजिएगा, अपने जाम में थमा लीजिएगा। कितना सुंदर उस समय कहा स्वामी राम ने, इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क वालों का, इश्क वालों का एहतराम करो, कुछ तो दुनिया में नेक काम करो, कुछ तो दुनिया में नेक काम